परम सुख डेयरी फार्म चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, जे वीडियो बना रही हूँ आज मैं गाय की बच्चेदानी की क्लीनिंग के ऊपर। जैसे कि जब भी गाय काविंग करती है तो उसकी बच्चेदानी को क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आने वाले समय में वो जल्दी पीक पकड़े और जल्दी जो है आगे बच्चा पकड़ने की तैयारी कर ले। तो कई बार ये भी हो जाता है कि गायें जब काविंग करती है तो वो पूरा जेर नहीं फेंकती, जिसकी वजह से भी गायें के बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाती है। कई बार गायें को जो है पायोमेट्रा हो जाता है बच्चेदानी में ज़्यादा इन्फेक्शन की वजह से। कई बार गायें की बच्चेदानी से पस वगैरह आने लग जाती है, तो उसकी वजह से जो गायें हैं वो कम खाती है और दूध भी नहीं बढ़ाती है। तो गायें की बच्चेदानी को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो हम अपने फार्म पे कैसे अपनी गाय की बच्चेदानी को क्लीन करते हैं, ये वाला फार्मूला मैं आपसे शेयर करूँगी, पायोमेट्रा का, पास का और इन्फेक्शन का जो गाय की बच्चेदानी में हो जाती है। तो सबसे पहले ये टोटल जो है हम 6 दिन इसकी थेरेपी करते हैं। तो सबसे पहले हम 30 ml जो है बीटाडीन को लेते हैं और 30 ml नॉर्मल स्लाइन ग्लूकोज, दोनों को मिक्स करके टोटल जो है 60 ml एक सोल्यूशन बन जाता है, जो हम गाय के दोनों हॉर्न्स में भरवाते हैं जहाँ भरते हैं खुद या डॉक्टर की सहायता से। और ये थेरेपी अगले दिन भी ऐसे ही करवाते हैं, गाय के हॉर्न में जो हम वो सोल्यूशन है छोड़ देते हैं, ताकि जो गाय की बच्चेदानी है वो क्लीनिंग करनी शुरू हो जाए, क्लीन होनी शुरू हो जाए। तो तीसरे दिन हम गाय को छोड़ते हैं, रेस्ट देते हैं, और चौथे दिन हम जो है गाय को 60 ml जो ऑक्सी लिक्विड है और साथ में 100 ml जो है मेट्रिंडाजोल इंजेक्शन IP जो होता है वो उसमें डाल के टोटल 160 ml जो बन जाता है सोल्यूशन, वो गाय की बच्चेदानी में लगातार 3 दिन छोड़ते हैं, ताकि जो गाय की बच्चेदानी है पूरी तरह से क्लीन हो जाए और अपना जो पट्ठा हम उसको खाने के लिए देते हैं वो पूरा खाए और अपने मिल्क प्रोडक्शन पे आ जाए। तो एक ज़रूरी बात मैं बोल दूं, जब भी हम फर्स्ट दिन ये ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं तो 2 ml जो वेटमेट है वो साथ में लगाते हैं, ताकि जो बच्चेदानी है वो जल्दी हरकत में आ जाए और क्लीनिंग जो फास्ट करना शुरू कर दे। तो बीच में आप एक इम्यूनिटी बूस्टर भी कोई भी लगवा सकते हो डॉक्टर से की मदद से, कोई भी एक अच्छा इम्यूनिटी गाय को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोई भी 10 ml इम्यूनिटी बूस्ट जो है लगवा सकते हो। ऐसी और फार्म से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को कीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।